आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है, या ये भी कहते हैं कि सत्ता की थाली को ठोकर मार दी है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने ये बता दिया है कि वो अपने बलबूते पर बीजेपी को नहीं हरा सकती है, इसलिए उसे मजबूरी में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी ये बयान दिया कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है, दूसरी पार्टी जोड़नी जरूरी है। यानी बाबरिया जी को इस बात की रिपोर्ट मिल चुकी है कि कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक से कम है, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए उन्हें आम आदमी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के जरिए रणदीप सुरजेवाला का कांटा निकालने का काम भी कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को जो 5 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है या सहमति जताई है, उनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर रणदीप सुरजेवाला का दावा था। रणदीप सुरजेवाला पेहवा, गुहलाचिका और उखलाय सीटों पर दावेदारी कर रहे थे, यानी अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, उनकी पैरवी कर रहे थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अब ये तीनों ही सीटें आम आदमी पार्टी को देने पर सहमति जता दी है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने पानीपत ग्रामीण और जींद सीटें भी आम आदमी पार्टी को देने के लिए हामी भर दी है। ये 5ों ही सीटें कांग्रेस की जीत की संभावना वाली सीटें थी, यानी कांग्रेस ने 5 सीटें अपने हाथ से लेकर आम आदमी पार्टी को सौंप दी हैं। अब ये देखने की बात रहेगी कि कांग्रेस की दी हुई इन सीटों पर अब क्या आम आदमी पार्टी जीत पाएगी, या कांग्रेसियों के भीतर के गुस्से और भीतरघात के चलते इन 5ों सीटों पर बीजेपी का झंडा बुलंद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की है, आत्मघाती गलती की है। राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन को लेकर जो ये बयान दिया है, जो ये गठबंधन करवाने की बात कही है, वह हरियाणा में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के महज 1.5-2% ही वोट हैं, और 1.5-2% वोटों के लिए 5 सीटों को दान में देना, कुर्बानी देना मूर्खता कही जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में हरियाणा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही बराबर बराबर चल रही हैं। ऐसे में 5 जीत की संभावना वाली सीटों को खोना कांग्रेस के लिए गलती कहेगी, भारी खामियाजा कहेगा, इसका नुकसान कहा जाएगा। यानी आम आदमी पार्टी के जरिए कांग्रेस को मजबूती नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है और इसका बीजेपी को फायदा होगा। 5 सीटों में से कलायत की सीट अनुराग ढंडा के लिए मांगी गई है, तो जींद की सीट के ऊपर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। सबसे खास बात यह है, पेहवा की सीट को पंजाब के सीएम भगवंत मान के ससुर के लिए मांगा गया है। भगवंत मान के ससुर का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ हो रहे गोल्डन गठबंधन के जरिए अपने ससुर को नेता और विधायक बनाने का खेल खेल दिया है। इस सारे घटनाक्रम को ध्यान से देखा जाए तो साफ पता चल जाता है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हरियाणा में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं देगी, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि अपने बलबूते पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में 1 भी सीट पर जीतना तो दूर, जमानत बचाने के हालात में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसे जीत की संभावना वाली 5 सीटों को देना कांग्रेस की मूर्खता कही जाएगी। कांग्रेस की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि उसको सीटें दी जाए, लेकिन जिस तरह से गठबंधन किया गया है उससे ये मैसेज चला गया है कि कांग्रेस को अपने वोट बैंक पर यकीन नहीं है, कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, और बाबरिया जी ने तो कह दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के वोट बैंक की जरूरत है। यानी बाबरिया जी के पास ऐसी रिपोर्ट पहुंच गई है जिसमें यह बताया गया है कि कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक से कम है, और इसलिए वोट बैंक बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जरूरी है। रणदीप सुरजेवाला को इस गठबंधन से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कैथल बेल्ट में ही उनका जनाधार है और कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में ही उनके सबसे ज़्यादा समर्थक टिकट मांग रहे थे। ऐसे में 3-3 दावे की सीटों को छोड़ना रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों को जामायूस करने का काम करेगा। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये घाटे का सौदा साबित होगा। कांग्रेस को इस बात का एहसास शायद नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो आई हुई सरकार को खोने का काम कर रही है, क्योंकि जनता के बीच में भी इस बात का मैसेज चला गया है कि कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी के हालात शायद मजबूत हैं, इसलिए कांग्रेस गठबंधन करने को मजबूर हुई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के लोगों ने मजबूरी में सुशील गुप्ता को वोट दिए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में गठबंधन होने पर इस बात की कोई पक्की संभावना नहीं है कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करें, कांग्रेस के वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देने का काम करें।
यानी इन पांचों ही सीटों के ऊपर अब समीकरण बदल जाएंगे और यहाँ पर कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इन तीन सीटों के ऊपर जहाँ लोकसभा चुनाव में भी झाड़ू के निशान पर वोट डाले गए थे, अब विधानसभा चुनाव में भी झाड़ू के वोट डाले जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ गायब हो जाएगा, जिसके चलते इस बात की आशंका हो जाएगी कि कांग्रेस का वोट बैंक परमानेंट तौर पर आम आदमी पार्टी को चला जाएगा, यानी आम आदमी पार्टी से गठबंधन कांग्रेस की मूर्खता कही जाएगी। और इस गठबंधन से यह भी महसूस हो रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है और वो मजबूरी में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस इस गठबंधन को लेकर जनता में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। सब जगह चर्चा चल रही है कि कांग्रेस ने ऐसा करके अपने लिए खतरे की घंटी बजाने का काम किया है। कांग्रेस ने खुद अपना नुकसान करने की गारंटी पैदा कर दी है और कांग्रेस को इस गठबंधन से कुछ हासिल नहीं होगा। रणदीप सुरजेवाला के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का है कि 5 सीटों में से 3 सीटें उनके हलके की हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला दी है और रणदीप सुरजेवाला इसका शिकार बन गए हैं, यानी भूपेंद्र हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के जरिए अपना कांटा निकालने का काम कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के इम्पैक्ट और कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी और बगावत के अंदेशे को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन के जनता में रिस्पॉन्स को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।